नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन। स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। और आज फ्रेंड्स, आज काफ़ी खुशी का दिन है, आज ईद है। तो सभी भाइयों को पहले तो मेरी तरफ से ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं सब भाइयों की ईद बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाएगी और सब इंजॉय करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। और घर में जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इन्वाइटेड हूँ, तो जो वहाँ पे रहता है कि अपना एक तो खीर रहती है, आई थिंक आप सीर कहते हैं उसे, और पकौड़ियाँ होती हैं, चाय होती है साथ में, ब्रेड पकौड़े होते हैं, और लस्सी का आई थिंक रायता होता है। तो काफ़ी चीज़ें खाने को मिलती हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। लेकिन उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो देखिए, प्रे करूँगा आप सभी भाइयों के लिए, सभी जितने भी भाई हैं, किसी मुल्क की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जितने भाई ईद सेलिब्रेट करते हैं भाई, भगवान करे आपका जो ये फेस्टिवल है ये हमेशा बहुत ही अच्छा जाए, कभी भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि सपोज़ दैट किसी का हाथ तंग होता है, कभी कभी ईद देखे सब मनाते हैं, कोई बहुत अच्छी बनाता है, कोई अच्छी, और कोई ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं बना पाते। तो कोशिश ऐसी कीजिए भाई कि कुछ अच्छा कर जाएं, ताकि एक यादगार बने। तो जितने भी आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं, आपको लगता है कि वो ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए जो आप कर सकें, मैं नहीं कहता कि उन्हें 1,000 रुपये दो या 2,000 दो, 5,000 दो, एटलीस्ट अगर आप 100 रुपये का भी गिफ्ट उन्हें अपनी तरफ से दे देंगे तो उनकी ईद बहुत अच्छी बन जाएगी। तो कोशिश कीजिए आज के दिन कुछ अच्छा करने की। और ये स्पेशली भाई उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ईद मनाते हैं। जो लोग ईद नहीं बनाते, जैसे कि ईद जो है मोमडन फेस्टिवल है, हर एक बंदे को पता है, लेकिन जो अदर कास्ट्स हैं, अगर आपके आसपास में भी कोई मोमडन आदमी रहते हैं लेकिन आपको लगता है ये इतने कैपेबल नहीं है कि ईद बना सके, सेलिब्रेशन अच्छा ज़्यादा बहुत अच्छा कर सके, बहुत लो पुअर फैमिली कह सकते हैं आप, ठीक है, तो उस टाइप में आप उनकी अगर थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो उनके दिल की जो धड़कने हैं वो यही कहेंगी कि बस आपसे बड़ा कोई नहीं। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा एक अच्छा काम कर जाएं इस ईद के मौके पे, और बने रहिए इसी तरीके से। आपको इतनी तालीम, आप जो भगवान है इतनी तालीम बख्शे कि आप हर बार रोज़े रखें, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें निभाएं, उनके कायदे कानूनों में रहें, और उसी के साथ साथ बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही प्यार भरे तरीके से ईद का सेलिब्रेशन करिए, ठीक है। आज ईद है और काफ़ी हर्षोल्लास का दिन है, इसलिए मैंने भी पठानी सूट पहना है। तो आपको एक लुक दिखाते हैं अपना, बताइए कैसा लगा। नहीं, मैंने स्पेशली सिलवाया था, तो शौक है पहनने का मुझे भी, थोड़ा बहुत पहन लेते हैं क्योंकि फ्री लगता है इसके अंदर। और इसी तरीके से नए नए कपड़े पहनिए आप भी, बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेशन होना चाहिए हर एक की लाइफ में, हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करो, अपना मानना ये है। चाहे वो कुछ भी हो, त्यौहार किसी के बाप के नहीं है ना किसी की जागीर है, त्यौहार सबका होता है, शामिल आपको खुद को होना पड़ता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जैसे मुझे आज जाना है और मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तो निकलेंगे और ईदी खा के आएंगे पहले तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, और बुरा लगे तो ज़रूर डिसलाइक भी करिए। डिसलाइक वाले तो होते हैं कि उन्हें अच्छी से अच्छी बात भी डिसलाइक करने में बहुत मज़ा आता है, तो प्लीज़ कोई दिक्कत नहीं है यार, लाइक्स जब ज़्यादा होते हैं और डिसलाइक कम होते हैं तो उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं लगती, क्योंकि बात अगर हम अच्छी कर रहे हैं और उस बात अच्छी बात को वो बुरी लग रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो इंसान ही बुरे हैं। तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट कीजिए ज़रूर इसके नीचे, और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू मिल सकती है वो मिलती रहेगी हमेशा। तो इसी के साथ एक नया वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे, और एक बार फिर से ईद उल फितर की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, नॉट इंडिया, नॉट पाकिस्तान, नॉट दुबई, ऑल ओवर होल वर्ल्ड में जितने भी भाई हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।